ऑलराइट सर, सर बताएं प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है, प्रोग्रामिंग क्या है और प्रोग्रामिंग कौन सीख सकता है? बिल्कुल, देखें सबसे पहले जब भी आपने किसी पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो आपको एक लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज कुछ रूल्स हैं कि जिसके थ्रू आप अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, अगला उसे समझता है, उसके ऊपर कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का रिस्पॉन्स आपको देता है। तो ह्यूमंस में भी ये लैंग्वेजेस इसी तरह काम करती हैं। अब आप गौर करें कि आपके सामने ह्यूमन नहीं है, आप कंप्यूटर है। इसका मतलब है कि यू नीड टू कन्वे कंप्यूटर के भाई कंप्यूटर मैंने आपसे ये काम करवाना है, भाई कंप्यूटर मैंने आपसे कोई दूसरा काम करवाना है। तो इसका मतलब है कि आप और कंप्यूटर के दरमियान कोई ऐसा सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे से बात कर सकें। ठीक, तो उसके लिए फिर हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। प्रोग्रामिंग सीखना आपको इनेबल करता है कि आप कंप्यूटर को समझा सकें कि आप उससे क्या काम लेना चाहते हैं। सो प्रोग्रामिंग ज़रूरी है और प्रोग्रामिंग ये एक फ़ायदा है। अच्छा, अब मसला ये है कि कंप्यूटर्स जो है ना वो बेसिकली डम्ब होते हैं, ये राज की बात है। हम समझते हैं कंप्यूटर बहुत इंटेलिजेंट है, बट दे आर बेसिकली वंस एंड जीरोस, दे आर डम्ब मशीन्स। तो हम इतना ज़्यादा मतलब कंप्यूटर को हमें समझाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ जीरोज़ और वन अंडरस्टैंड करता है। तो जितना हम ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर को समझाएंगे उतना ज़्यादा कंप्यूटर इंटेलिजेंट होगा। तो और उसके लिए हमें खुद लॉजिक्स सोचनी पड़ती है, खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ते हैं। तो लैंग्वेज सीखना ना सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन बेहतर करता है बल्कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करता है कि यार एक प्रॉब्लम है, ये मैंने कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर को, ये मैं कैसे इसे समझाऊं कि ये मेरा काम कर दे। और यही स्किल आपको बाकी लोगों से कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करती है। एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ प्रोग्रामिंग के बारे में, चाहे वो सीनियर प्रोग्रामर भी बैठे हुए हैं, जब आप प्रोग्रामिंग सीख जाते हो और कॉन्सेप्ट्स के साथ सीखते हो, रटे नहीं लगाते हो कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखना है, फंक्शन कॉल कैसे करनी है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो आपकी ज़िंदगी में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाती है। आप मुलाजिम रखोगे तो उसको भी कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है, पूरे लॉजिकली उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि ऐसे हो तो ऐसे करना है, यहाँ पर यूँ करना है, यहाँ पर यूँ करना है। जितना अच्छा आप उसे एक्सप्लेन करोगे वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा और उससे उतना आपका फ़ायदा होगा, वो भी खुश रहेगा। आप बिजनेस में जाओगे तो अपने लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है। आप जहाँ भी जाएँ ज़िंदगी में आप प्रोग्रामिंग को रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जब प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप बग आते हैं ना, शहरयार आज आपसे बात करेंगे, मैं इनसे मेरी काफ़ी इस बात पे डिस्कशन हुई है, जो बग सॉल्व करने की मेंटेलिटी है ना, वो क्या होता है कि वो आपकी रियल लाइफ में भी आ जाती है। वो डीबगिंग कहते हैं उसको। डीबगिंग क्या कहते हैं? किसी बग को ट्रेस करके ढूंढना। फॉर एग्जांपल डीबगिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी ना घर में चाबी गुम होगी, अब आपको चाबी नहीं मिल रही, अब आप सोच रहे हो कि पहले यहाँ रखी थी, फिर मैंने जेब में डाली थी, फिर वहाँ गई होगी, तो आप एक पूरा सिनेरियो बनाते हो माइंड के अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हो उसको ढूंढने के लिए। पहले यहाँ देखते हो, फिर आप उस जगह को दोबारा नहीं देखोगे, फिर ट्रेस करके ना सारा कुछ वो चाबी तक आप पहुँच जाते हो। तो सम टाइम हम डीबगिंग में ये करते होते हैं, हम बग को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर हम बग को रिमूव करते हैं। बग क्या होता है? बग ये होता है कि एक प्रोग्राम में चल रहा है तो वो कहीं सही तरीके से सही नहीं कर रहा। अगर आपका फ़ोन है वो थोड़ी देर रीस्टार्ट हो जाता है तो आप उसे कहते हैं इसमें बग आ गया, मसला आ गया। बग को आप यूँ समझ लें कि मसला आ गया। मैं इस लेवल तक भी इजी जा रहा हूँ, लेकिन जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। सो इट्स टाइम, इट्स 8 PM, वी आर डाइविंग राइट इनटू इट। डॉक्टर साहब, आपने कुछ ऐड करना है या मैं चला नहीं, लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, तो हमारा जो एजेंडा है आज वो ये है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज वेरिएबल, डेटा टाइप्स, कोलैब नोटबुक, हैंड्स ऑन, और एंड में लिखा हुआ है क्विज़ जो किसी भी टाइम आ सकता है, और वो होंगे 10 मिनट। 10 मिनट के भाई, 10 मिनट का क्विज़ आएगा, किसी भी टाइम आएगा। प्लीज़ आज भी मुझे हैरान कर दें क्विज़ सॉल्व करके, ना कि नेगेटिवली। सो प्रोग्रामिंग जो है, जो आज हम आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं वो पाइथन में भी वही होते हैं, सी शार्प में भी वही होते हैं, कॉटलिन में भी वही होते हैं। सर्वर साइड क्या होती है, बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, आज हम उसके ऊपर बात करते हैं। मैं साथ साथ चीज़ों को एग्जांपल के साथ इजी करता रहूँगा। ये वो लोग हैं जो इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। सो टू योर सरप्राइज, शहरयार भाई और हारिस भाई आ जाएं आप ज़रा, मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आज ना कप ऑफ टी एंड लेट्स हैव सम रेस्ट।
हमारा रोल क्या है कि हम चीज़ों को ओवर ईजी करेंगे जहाँ मुझे लगेगा कि चीज़ें जो है वो कम्प्लेक्स हो रही हैं। शहरयार ज़हीर, इसको सब जानते होंगे कि हमारा एंड्रॉयड का इंस्ट्रक्टर भी है, अ वेरी गुड प्रोग्रामर, जिन्होंने सेल्फ लर्निंग बहुत खुद से खुद पे मेहनत करके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, इनको बैक एंड फ्रंट एंड हर चीज़ का पता है, मोबाइल एप्लीकेशन साइड पर जाके प्रोग्रामिंग करा। आप नोटिस कीजिएगा, शहरयार इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड देन वी हैव अ हारिस विद अस। हारिस ये वो आदमी है जो आपके लिए ओके ओके क्विज निकालता है, जो मुझे जिसने आके मशवरा दिया कि सर जी ना क्लास भी लेनी है, ये वो आदमी है जो क्लासरूम कम बनाता है और बाद में मुसीबतें मुझे पड़ती हैं, ठीक है। तो ये हमारा AI डेवलपर है जो पाइथन में हमारे साथ प्रैक्टिकल इंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ ये है सीखने का बेहतरीन तरीका कि सीधा इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल आदमी से सीखो, हर वो चीज़ उससे सीखो जो वो उस वक्त कर रहा है, वो बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ से शहरयार भाई आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पढ़ाएंगे, 10-11 स्लाइड अब उनकी हैं, आई विल बी जॉइनिंग यू एज वेल एंड देन यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्रामिंग एंड आई मैन दोनों का साथ दे रहा हूँ। याद रखें सबको साथ लेके चलना है, मैंने आज तमाम एक्सपर्ट्स को छुट्टी दे दी है ताकि हम लो लेवल लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे जाके इन चीज़ों को समझाएंगे। ऑल टू यू गाइस, शहरयार गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी जी। तो जैसा कि आप सबको ये पता चल गया होगा कि हमने कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को देखना है कि बेसिकली व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग और हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। सर शिराज ने भी आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। मैं आपको कुछ स्लाइड से कुछ गो थ्रू करवा देता हूँ और इसके अंदर आपको कुछ समझाने की भी कोशिश कर देता हूँ कि यार प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिक प्रोग्रामिंग का सिंटेक्स क्या होता है, जो हम लैंग्वेज जो कंप्यूटर से हम बात कर रहे होते हैं उसको हम किस तरह से कंप्यूटर को टाइप करके बताते हैं। दिस इज़ वेरी बेसिक, आई थिंक अगर किसी ने ऑलरेडी कुछ किया हुआ है प्रोग्रामिंग में तो उनको कुछ आइडिया होगा, बट फॉर द न्यू कमर्स ये एक चीज़ पहले बता दूँ कि मे बी आप लोगों को ये थोड़ी सी मुश्किल लगेगी बिकॉज कोई भी नई लैंग्वेज सीखना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, चाहे वो इंग्लिश हो, अरबी हो, फ्रेंच हो, व्हाटएवर, लेकिन यह है कि है इजी, अगर आप उसको थोड़ा फॉलो करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे कि आपके सामने स्लाइड्स आ रही होंगी, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग जैसा कि सर शिराज ने भी आपको बता दिया, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं आप कंप्यूटर को देते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन, टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, और उसके अंदर उस जो इंस्ट्रक्शन आपने देनी है उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स है जिसको आपको फॉलो करना होता है कंप्यूटर से बात करने के लिए, और कंप्यूटर उसी सिंटैक्स को सिर्फ अंडरस्टैंड करता है और आपको बड़ा स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करना होता है। शहरयार भाई जी, जैसा कि आप कोई भी लैंग्वेज जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो उसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं, लाइक अगर आप किसी से अरबी में बात कर रहे हैं, फ्रेंच में बात कर रहे हैं, इटालियन में, जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आपको उसी लैंग्वेज के प्रॉपर वही वर्ड्स यूज़ करने हैं कि जो वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सिंटैक्स इज़ द चॉइस ऑफ द वर्ड्स को जो आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर से बात करने के लिए, और वहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक डिफरेंट सिंटैक्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट सबके सेम है लेकिन सिंटैक्स जो है वो सबका सेम है। तो प्रोग्रामिंग जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि बेसिक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम कंप्यूटर को बताते हैं, उसके अलावा हमारे पास उन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके आपकी ये जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन, जितने भी बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, इन सब सिस्टम्स के अंदर यही बेसिक चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन वो ऐसा ऐसा आप एडवांस लेवल पर उनको यूज़ करते हैं। आप ये कह लेंगे दिस इज़ एन ABC ऑफ इंग्लिश, बेसिक लेटर्स, और अगर आपको पैराग्राफ्स लिखने हैं, आपको एसेज लिखने हैं, तो जब तक आपको ABC नहीं आती तो आप आगे फर्दर मूव नहीं कर सकते। तो उसके बाद हमारे पास प्रीवियस स्लाइड पे जाना, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी जी, कि इसकी दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि इट इन्वॉल्व्स राइटिंग कोड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? देखिए मैं आपको एक बताता हूँ कि आप रोज़मर्रा जिंदगी, आप शॉपिंग करने जाते होंगे, आप उसको, आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हो और वो काउंटर पे खड़ा हुआ बंदा उन चीज़ों को कंप्यूटर में डालता जाता है। अब वो कंप्यूटर में उसने चीज़ें डाली और एक बिल निकल के सामने आ गया। जब वो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें दूंगा, आपने यूं 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 कैलकुलेशन करके मुझे बिल दे देना है। अब जब ये प्रोग्राम नहीं होगा, जब ये कंप्यूटर नहीं था तो बिल बनाना बहुत मुश्किल था, रजिस्टर बैठे थे, कैलकुलेटर पर कैलकुलेट किया जाता था, ह्यूमन एरर्स आते थे, तो एक प्रॉब्लम था। ढेर सारे लोग एक साथ दुकान पर आ जाते थे चीज़ खरीदने के लिए
और जब वो कैलकुलेशन होती थी तो एरर्स आते थे, लोग नाराज़ होते थे, टाइम लगता था, लोगों को चीज़ें नहीं मिलती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा गया कि यार एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम्स का एक मजमूआ होता है जिसको आप कहते हैं सॉफ्टवेयर, जो एक आपका ओवरऑल मसला हल कर रहा होता है। यार हमने क्या करना है कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने जैसे कैलकुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व किया उसके लिए एक प्रोग्राम लिख दिया, इसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। दुनिया के जितने भी प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो किसी न किसी मसले को हल करने के लिए लिखे जाते हैं, वैसे कुछ नहीं लिखा जाता। दुनिया का एक वाहिद प्रोग्राम ऐसा है जो किसी मसले को हल करने के लिए नहीं लिखा जाता। ये मेरा सवाल है तमाम प्रोग्रामर से, वो कौन सा प्रोग्राम है? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड वो हम भी वही लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड क्या है कि यार वो एक प्रोग्रामर को पहली फील देता है, समझ ले कि वो प्रोग्रामर की पहली कार है, प्रोग्रामर की पहली गाड़ी है जो अपना एक इनपुट देखता है उसके अंदर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैं ना सिंटैक्स पे थोड़ा सा ना और बात करना चाहता हूँ। सिंटैक्स जरा ना खौफनाक लफ्ज लगता है। जैसे मैं पाइथन पढ़ रहा हूँ, ये ठीक सिंटैक्स है, लेकिन मैं ये भी तो कह सकता था हूँ मैं रहा पाइथन पढ़, ये गलत सिंटैक्स है। अब वर्ड भी सही है, लैंग्वेज भी ठीक है, क्योंकि आपने उसको सीक्वेंस में नहीं लिखा और ऐसे तरीके में नहीं लिखा जो तरीका कंप्यूटर समझ सके, तो आउट ऑफ सिंटैक्स हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि सर आपने जो एग्जांपल दी जिस तरह जिस सीक्वेंस में पढ़ाया आपने हमें समझ आ गई। अगर हम फॉर एग्जांपल पहले आपको प्रोग्रामिंग की कोडिंग कराते हैं फिर बताते हैं प्रोग्रामिंग होती क्या है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। तो सेंटेक्स जो है वो जब हम सेंटेक्स की बात कर रहे होते हैं, अच्छा इसको कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ना मैं करने को कहूँगा। शहरयार आया, उसने सीधा सेंटेक्स की बात की, करीब उसने सीधा सेंटेक्स की बात की। तो क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का एक वो कंपोनेंट है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, तो सेंटेक्स क्या है? द वे यू डू दैट। तो अब प्रॉब्लम दुनिया के जितने, मैं कह रहा था दुनिया के जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लिखे जाते हैं। AI इज़ फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और AI के अंदर हम एग्जैक्टली प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे, राइट? सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। शायद यार थैंक यू जी। तो यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों की हमने बात कर ली है। देन वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देर आर डिफरेंट, मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिनको मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि अगर आपने बैकएंड के अंदर काम करना है तो आप उसमें सी शार्प को यूज़ करेंगे, पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, नोड जेएस को यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर आप फ्रंट एंड पे आ जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट की काफ़ी लैंग्वेजेस है। उसके अलावा एंड्रॉयड, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर हम कॉटलिन को यूज़ करते हैं, iOS में स्विफ्ट को। तो इस तरह से जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये मल्टीपल पर्पसेस को सर्व करती हैं टू बिल्ड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस, इधर मोबाइल, इधर सर्वर और इधर वेब एप्स। उसके बाद हमारे पास बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, वेरिएबल्स इसमें हमने समझने हैं। मैं ये चाह रहा था, मैं सर इरफान से फिर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मैं आप सबको एक बहुत ही बेसिक सा एक क्विक सा डेमो दिखा दूँ ताकि आप सबको पता चल सके कि प्रोग्रामिंग एक्चुअली में स्टार्ट कैसे। Although this is a very basic thing, to open up something? Yes, मैं आप सबको बता देता हूँ, स्क्रीन सबके पास शेयर, मैं शेयर कर दूँ, आप ओपन करें, मैं फिर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आपके पास, हमने चूंकि पाइथन में काम करना है तो आप सिंपल, वैसे तो किसी भी लैंग्वेज को रन करने के लिए आपके पास मल्टीपल कंपाइलर्स हैं, टूल्स हैं, लेकिन हम क्विकली एक काम करेंगे कि हम ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं ऐड करता चाहूँ कि शहरयार भाई ने कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हैं कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें से हमने एग्जांपल लिखी, पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, कॉटलिन है। अच्छा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज ऐसी होती हैं जिससे मोबाइल एप्लीकेशन बनती हैं और कुछ के लिए वेब, ठीक है, जो आपके हाथ में फ़ोन के अंदर जितनी भी ऐप्स हैं, गेम्स हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है उनकी एक लैंग्वेज होती है पीछे। और वेब पे आप देखते हैं, डेस्कटॉप पे, ब्राउजर में जो चीज़ें देखते हैं उनकी भी एक लैंग्वेज होती है पीछे। हम उन्हें सर्वर साइड फ्रंट एंड लैंग्वेज को मिला के हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होती है, बैक एंड लैंग्वेज क्या होती है। तो कॉटलिन जो है वो मोबाइल की लैंग्वेज है, सी शार्प, जावा, जावा भी मोबाइल की लैंग्वेज भी है, जावा से प्रोग्रामिंग भी होती है। पाइथन जो है वो पर्टिकुलरली नंबर वन पे आ गया और आज का सेशन इज़ ऑल अबाउट पाइथन, और वो है हमारी सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम लोग वेब ब्राउजर से डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको एंड में दूंगा कि अगर वो सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन तो इससे मोबाइल एप्लीकेशन में AI कैसे चलेगी, ठीक है, ये बिल्कुल एंड में सवाल आएगा। सो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जब हम बात करने के लिए ना, हमने पहला, मैंने जानबूझ के कहा था आरएस को कि यार इसको ना पहला मैं वेरिएबल बताऊँ कि वेरिएबल क्या होता है। मैं इसकी एक एग्जाम्पल देना चाहता था आपको। अब मैं जो आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ ना उससे एक स्टोरी बिल्ड कर लें, शहरयार विल बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट, स्टोरी बिल्ड कर लें, आपको पूरी सारा कुछ उसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप लोगों ने कहीं सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, आपने आपने फैसला किया जी मुझे यहाँ से लाहौर से कराची जाना, ठीक है, और बीच में सारे आपने स्टेप डिफाइन कर लिए, पहले यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे गया अगर मेरा ये काम ना हो तो मैं यूँ चला जाऊँगा, मेरा काम हो गया तो मैं यूँ चला जाऊँगा, मुझे यहाँ बस मिली तो मैं यूँ चला जाऊँगा, मुझे यहाँ ना मिली तो मैं इस ट्रेन को पकड़ लूँगा ना, आपने पूरा वो बनाया। बताइए आप क्या कर रहे हैं, ये वो इंस्ट्रक्शन है, ये वो एल्गोरिदम है, ये जो प्रोग्राम है आप अपने माइंड में अपने लिए लिख रहे हो कि मैंने क्या 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 करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, याद है शहरिया ने वर्ड बोला है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब जब आप सफ़र कर रहे होंगे फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, उस सारे इंस्ट्रक्शन में से गुजरते हुए, उस सारे प्रोग्राम में से गुजरते हुए, तो आपको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, मे बी आपको पानी की बोतल चाहिए होगी, आपको वॉलेट अपना चाहिए होगा, आपको घड़ी चाहिए होगी, मोबाइल चाहिए होगा, चार्जर चाहिए होगा, कपड़े चाहिए होंगे, और भी बहुत कुछ लोग कैरी करते हैं साथ में, तो आप उसके लिए एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है, आपके बैग होता है, उस बैग के अंदर छोटे छोटी पॉकेट्स होती हैं, कहीं आप क्या रखते हो, कहीं क्या रखते हो, कहीं क्या रखते हो, पॉकेट्स में आपको पता होता है कि जी यहाँ मैंने पेन रखना है, छोटा सामान, यहाँ मेरा पावर बैंक है, इस सेक्शन में मैंने कपड़े डालने हैं, इधर मैंने ये डालना है, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है आप उसको निकाल लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और उसको वापस डाल देते हैं। जब सफ़र के बाद आप घर आते हो तो उस बैग में से चीज़ें निकाल के आप अपनी घर की अलमारी में रख देते हैं, जहाँ पर वो परमानेंट स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अभी स्टोरी को अपने माइंड में रखिएगा, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसके अंदर मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिफाइन कर गया हूँ ऑलरेडी, अभी स्टोरी को हम रिपीट करेंगे, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आप स्टोर पे गए, वहाँ पे आपने कोई चीज़ खरीदी, आइटम खरीदा और वो सारा कुछ हुआ। जब आप आइटम डालते हो तो सिस्टम को पता होता है कि इस आइटम की प्राइस भी कहीं पड़ी होती है, ये आइटम दूसरा आइटम आपने कौन सा लिया हुआ, तो छोटी छोटी चीज़ें उसने परमानेंट स्टोर करते हैं। तो प्रोग्राम के दौरान जो वैल्यूज़, जो चीज़ें आप स्टोर करते हो किसी वेरिएबल के अंदर, वो वेरिएबल समझे उस बैग की वो पॉकेट्स हैं, जहाँ पे आप टेम्परेरी चीज़ यूज़ की, निकाली, इस्तेमाल कर ली और घर जाके उस बैग को खाली कर दिया और चीज़ें स्टोर में रख दी। वो जो कबर्ड की एग्जांपल दी है वो आपकी परमानेंट स्टोरेज, यू कैन कॉल इट अ डेटाबेस, कि जहाँ चीज़ें परमानेंटली रहती हैं। वो बैग आपके साथ चलता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, एक्सेसिबल है, कैसे एक्सेसिबल है, वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। तो वेरिएबल इज टेम्परेरी मेमोरी इन द प्रोग्राम, जहाँ पे आप कोई चीज़ रखते हैं, निकालते हैं, वो चीज़ क्या हो सकती है, वो कोई अल्फाज भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है, वो कोई काउंट भी हो सकता है, ये वो चीज़ें हैं, वो भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। और ये जो एग्जाम्पल चाह रही है बिल्कुल ज़रा क्लियर करना है कि इंट क्या होता है, चार क्या होता है, रियल क्या होती है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये वो वैल्यू जो इनके अंदर रखनी है। जैसा कि सर ने बताया कि वेरिएबल जो है इट्स अ कंटेनर के जिसके अंदर हम कोई वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, तो हमारी वैल्यूज जो हमने स्टोर करनी है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। जैसा कि लेट्स सपोज आप ये कह सकते हैं डेली लाइफ के डेली लाइफ के अंदर आप एक एग्जांपल लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज आपके कपड़ों का बैग है, that is something different, आपके लैपटॉप का बैग है, that is something different, तो you use different containers to store different things, right? जी, तो कंटेनर की हम बात कर रहे थे, तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के डेटास हैं, लाइक जिसके अंदर आप कह लें कि एक एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक कैरेक्टर है, एक स्ट्रिंग है, इसके अलावा भी तो है। अब इंटीजर एक्चुअली में क्या है कि जब भी आपने कोई 1, 2, 3 को डिजिट सेव करना है तो आप उसके लिए जो कंटेनर यूज करते हैं उसको आप कहते हैं इंटीजर। और उसके बाद सेकेंडली हमारे पास फ्लोट है, विच इज अगर हमारे पास कोई डेसिमल में कोई वैल्यू है, जैसे 1.3 है, 2.6 है, 6.4 है, व्हाटएवर, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कंटेनर, उसको वेरिएबल, उसको हम कहते हैं डेटा टाइप को फ्लोट। उसके बाद हमारे पास है कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश के अंदर, लेट्स सपोज ए है, बी है, सी है, इंडिविजुअली ये सब एक एक कैरेक्टर्स हैं, तो अगर हमने सिंपल एक कैरेक्टर को सेव करना है तो हम उसके लिए जो डेटा टाइप है उसको यूज करते हैं कैरेक्टर। और अगर हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स को यूज करना है, जिस तरह के हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं, वर्ड्स आ जाते हैं, पैराग्राफ्स आ जाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग। तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थी वेरिएबल की, जैसा कि आपने ये देखा है स्लाइड के अंदर। अगर हम वापस स्लाइड पे आ जाएं तो एक हमारे पास इंट है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, एंड देन वी हैव अ स्ट्रिंग के जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के हम डेटास को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे वापस जाके ये भी समझ लें कि इंटीजर जो होता है वो जीरो से लेके आप कोई भी नंबर जिसके अंदर ये डेसिमल नहीं होता, yes. आप उसको इंटीजर कहते हैं। इंटीजर के डिफरेंट साइज होते हैं। अगर इंटीजर के अंदर ये डेसिमल आ जाए तो आप उसको वैल्यू कह देते हैं, डेसिमल वैल्यू भी आप उसको कह देते हैं,
और अगर आपके पास एक करेक्टर है तो आप उसको कहते हैं, उस करेक्टर की टाइप है चार, और अगर आपके पास स्ट्रिंग है मतलब ढेर सारे करेक्टर हैं तो स्ट्रिंग बनती है वो, तो स्ट्रिंग वर्ड आपके साथ बहुत दूर तक चलेगा, इंटीजर वर्ड चलेगा, फ्लोट वर्ड, और ये चार वर्ड, ये वर्ड आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, इन पर रिसर्च कीजिएगा, ये प्रोग्रामिंग में आपके साथ बहुत दूर तक चलेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके बेस पे प्रोग्राम लिखे जाते हैं जी। उसके बाद एक बात, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है वो है यस या नो, जिसे हम कहते हैं बूलियन। ये बूलियन को आप यूं समझे कि एक काम करना है या नहीं करना, एक काम हुआ है या नहीं हुआ, तो ये एक और डेटा टाइप है जिसे हम बूलियन कहते हैं। अच्छा, इसका नाम जरा थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, बूलियन मतलब प्रोग्रामर्स तो बहुत यूज्ड टू होते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जॉर्ज बॉल थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके एजाज में ना इस डाटा टाइप का नाम जो है ना वो बूलियन रखा गया, क्योंकि ये मैथ की पूरी ब्रांच भी है जिसे बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। तो टेक अवे यस या नो को हम कहते हैं बूलियन, और इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं, जीरो वन या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो ये ट्रू फॉल्स, ट्रू का मतलब है हाँ ये काम हो गया, फॉल्स का मतलब है ये काम मजाक नहीं में हुआ। कहते थे कुछ लोगों की जिंदगी इसी टॉपिक पे गुजरती है कि वो बूलियंस हैं, बूल भी उसे कहते हैं, BOOL कहते हैं। वो क्या होता है कि आप उनसे जो भी सवाल करें वो कहेंगे हाँ ना, हाँ हाँ, नहीं, हाँ जी। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में, और याद रखें कि पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है ना, एट द एंड ऑफ द डे बैक एंड पे चलता जीरो एंड वन पे ही है, बीच वाली कोई वैल्यू नहीं होती। कंप्यूटर AI के अंदर आप देखेंगे आगे जाके मज़ेदार चीज़ें, जब हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कन्वर्ट करनी पड़ती है, जीरो एंड वन में जाना ही पड़ता है। वो कैसे समझ आती है कंप्यूटर को, ये एक बात की बात है, पर कंप्यूटर जीरो वन की लैंग्वेज समझता है। आप इसे कहते हैं कंप्यूटर जो है वो जीरो वन की लैंग्वेज समझता है। और एक और चीज़ मैं इन वेरिएबल्स के बारे में बताता जाऊँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी सॉफ्टवेयर, आपको इंटीजर के आपको बूल के अंदर जाके इंटीजर नहीं स्टोर करने देगा मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ। तो आपने खाने जो बनाए उस खाने के अंदर उसी तरह की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर पहले आके उस खाने की टाइप देखता है, फिर उसके अंदर से वैल्यू उठाता है। याद रखना, आपको आगे जाके प्रैक्टिकली नजर आएगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के, वेरिएबल का प्रोग्राम के अंदर लिखने के कुछ असूल हैं, थोड़े से बेसिक बताएंगे क्योंकि हम एडवांस में नहीं जा सकते, वो शहरयार प्लीज़ बताएं जरा। जी, वेरिएबल नेमिंग स्लाइड का हमारा टाइटल है। हमारे पास जैसा कि हमने देखे कि वेरिएबल इज़ अ कंटेनर, तो हमने जो भी कंटेनर हम बनाएंगे अपने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हमने कुछ नेम देना है, और उसको नेम देने के मल्टीपल कन्वेंशन है जिसको हमें फॉलो करना होता है। उसमें जैसे कि आप पहले देख सकते हैं कि स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, आप किसी लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर्स, आप वेरिएबल का जो कंटेनर का जो नेम बनाएंगे। मैं कंटेनर का नाम वेरिएबल से इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो हमने एग्जांपल बनाई उससे हम कनेक्टेड रहें। तो जो हमारा जो वेरिएबल है उसके अंदर हम लेटर, नंबर्स या अंडरस्कोर्स रख सकते हैं, लेकिन हमारे वेरिएबल के नेम में हम कुछ चीज़ें नहीं रख सकते, जैसा कि रिजर्व्ड वर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड? हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि जो उस लैंग्वेज की कमांड हैं। लेट सपोज जब आप प्रोग्रामिंग में आएंगे तो आपको पता चलेगा वी हैव लाइक प्रिंट है, वी हैव इफ़, वी हैव व्हाइल, फॉर, व्हाटएवर, इस तरह की जितनी कमांड्स हैं उनको हम अपने वेरिएबल के नेम के अंदर। आप अपना नाम पाकिस्तान नहीं रख सकते, आप अपना नाम आर्मी नहीं रख सकते। Yeah, that's a good example के जो कुछ नाम reserved word हैं जो एक मखसूस चीज के लिए रख दिए गए हैं, आप उसे कहते हैं कि reserved word, आप प्रोग्राम के अंदर वो वर्ड यूज नहीं कर सकते। और भी बताओ? नहीं, बस इतने का। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि जब आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर स्पेस नहीं हो सकती, ये एक सबको पता होना चाहिए। सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ द कैमरा। उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है जैसे कंटेनर है, अगर हमने उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसका एक सिंटैक्स है। लाइक हमारे पास एक वेरिएबल, हमने उसका नाम रख लिया है ए, सिंगल कैरेक्टर ए। एक वेरिएबल के अंदर ए कैरेक्टर भी हो सकता है, उसके नेम के अंदर मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन आपको बताई है वो आपको फॉलो करना होगी। तो एक जो वेरिएबल है उसके अंदर जब आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसका जो सिंटैक्स है उसको, उसके लिए आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले आप लिखते हैं वेरिएबल का नेम, then you type is equals, and then you type, sorry, yeah, so, and then you type the value
कि जो आप उस कंटेनर के अंदर रखना चाहते हैं, दिस इज अ सिंटैक्स के जिसको आपको फॉलो करना है, वेरिएबल का नेम देन इज इक्वल्स एंड देन उस वेरिएबल में जो आपने वैल्यू रखनी है. नाउ ए इज इक्वल्स टू 5, इसका मतलब है कि ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो है 5. अभी ए हमने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया. मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो आपको ये डिफाइन करना होता है कि ये वेरिएबल कौन सा है. लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या स्ट्रिंग है. लेकिन पाइथन के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को विदाउट उसकी टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं. और पाइथन इट्स क्वाइट इंटेलिजेंट टू यू नो अंडरस्टैंड कि इसमें अब कौन सी वैल्यू आ रही है. लाइक अगर ए में 5 आ रहा है तो पाइथन नोज कि ए इज एन इंट. अगर आप ए में कुछ स्ट्रिंग ऐड कर देंगे तो पाइथन को समझ आ जाएगी कि ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है. एंड उसके बाद एक जो रॉन्ग एग्जाम्पल है वो ये कि आप ए डबल इज इक्वल्स टू 5 नहीं लिख सकते. दिस इज अ रॉन्ग असाइनमेंट के लिए. इसका एक और मतलब होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर. हम इसको सिंपल करके जाना चाहते हैं क्योंकि इस तरह से तो हम अपने 2 लेक्चर सिर्फ वेरिएबल पे भी स्पेंड कर सकते हैं अगर इनके अंदर हम डीपली चले जाएँ, लोग जो कि आपने खुद से जाना होता है. तो इसका मतलब आगे जाके हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते. तो बहरहाल जब आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख रहे होते हैं तो डबल इक्वल टू साइन जो है ना आपने यूज़ नहीं करना. और हम वापस आ रहे हैं. हाँ ये है. तो हमने यहाँ पे इंटीजर की कोई एग्जांपल दे दी, फ्लोट की एग्जांपल दे दी, स्ट्रिंग की दे दी, 4 की दे दी, बूलियन की यहाँ मिसिंग है लेकिन बूलियन की एग्जाम्पल ये किया वो 0 होगा या 1 होगा या ट्रू होगा या फॉल होगा, फॉल्स होगा, यस होगा या नो होगा, ब्लैक होगा या वाइट होगा. ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, मतलब लिखना नहीं होता, मतलब हाँ या ना, जनरल आइडिया. तो अब हम स्टार्ट करेंगे शहरयार, हम अगली फेज की तरफ जा रहे होंगे. थैंक यू वेरी मच शहरयार फॉर टेलिंग आर पीपल के बेसिक्स क्या होती हैं. आपके लिए तो ये बहुत ही बेसिक होगी, बहुत ही बेसिक होगी. शहरयार को मैंने आज अचानक मैंने कहा आके यार बेसिक, ये तो कैमरे से बाहर ना जाए कि ये एडवांस प्रोग्रामर है. जब हम आगे जाके थोड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे फिर देखेंगे इनके हाथ कैसे चलते हैं प्रोग्रामिंग में. जब ये प्रोग्रामिंग कर रहा होता है मैं इसके पास जाता हूँ शहरी टेबल टेनिस खेलना तो मुझे गोरी भी बड़ी खराब. थैंक यू ब्रो. इसमें ये है कि एक चीज़ बताता जाऊँ कि ये सब चीज़ें हम लोगों को इतनी ईजी लगती है कि हम सोच नहीं सकते कि यार चीज़ किस तरह किसी बंदे को मुश्किल लग सकती है. तो ये मुश्किल है नहीं है, इट्स वेरी ईजी. देखने में शायद मुश्किल लगे तो बाकी ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको एक बंदा कह रहा है जो जीरो से सीखा है कि आसान है तो अपने माइंड को आप कह दें आसान है, फिर आपको इंशाल्लाह आसान लगना शुरू हो जाएगी. थैंक्स यार. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. आता हूँ मैं, आपने जाना नहीं ठीक है. सो मैं यहाँ से थोड़ा सा अब आपको आगे का बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे. हमने आपको वेरिएबल का बताया, प्रोग्रामिंग का बताया, इंस्ट्रक्शन देने का बताया, हेलो वर्ल्ड का बताया. अब ज़रा कर लेते हैं इन सारी चीज़ों को, करके देखते हैं कि वेरिएबल में वैल्यू रखते कैसे हैं, वैल्यूज़ को निकालते कैसे हैं. अब जो चीज़ हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं ना क्लाब, गूगल क्लाब में, आपको पहले मैं बता दूं कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ख़ास तरह के सॉफ्टवेयर में लिखा जाता है जो आपको अलाउ करता है कि लैंग्वेज टेस्ट करनी है, जो आपने लिखा वो ठीक लिखा या गलत लिखा, उसकी आउटपुट देखने का, आउटपुट क्या होती है, जो रिज़ल्ट आ रहा होता है वो सारा देखने के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, IDE उसे हम कहते हैं. तो यहाँ पर हमने एक ऑनलाइन टूल यूज़ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को मसला ना हो. वरना अगर हम वेब डेवलपमेंट .NET डेवलपमेंट में जाएँ, हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं, या एंड्रॉयड में हम जाएँ तो एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन बहुत मुश्किल होती है, वो आप खुद कर लेंगे. तो क्लैब जो है हम यूज़ करें ताकि हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलता हुआ दिखा सकें, ठीक है. उसके साथ हम मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में फिर हम ठीक वाली प्रोग्रामिंग एडवांस लेवल पर कर रहे होंगे. तो क्लैब के बारे में आ जाओ हरीश बेटा, आप डॉक्टर साहब आप ज़रा क्लैब के बारे में बता दें जी, ठीक है. और क्लैब के बारे में बताने के बाद हम लोग क्विज किसी भी टाइम आ सकता है, और मेरे लग रहा है कि आस पास ही है और क्विज लेक्चर में से है. अच्छा मैंने कहा मैं हिंट भी दे दूं, मैंने क्विज का बोला वो गया बंदा है, ठीक है जी. हारिस भाई आप आएं इस तरफ प्लीज हैव अ सीट. डॉक्टर साहब आप जरा साथ रहें हारिस के. आप कोलैब के बारे में बताएं, आप अपना एनवायरनमेंट सेटअप करो बेटा. ओके, सो गूगल कोलैब जो है ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसे आप यूं समझें कि आपको पाइथन चलाने के लिए ना बहुत मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है. अब जब आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं और कोई मुश्किल कॉन्फ़िगरेशन आए ना तो बाज़ दफ़ा ना लोग घबरा के कहते हैं यार ये काम मेरे से नहीं होता और वो छोड़ के चले जाते हैं. तो गूगल कोलैब का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने सिर्फ इस पे लॉगिन होना है अपने जीमेल की आईडी से. इसका मतलब है कि गूगल कोलैब को इस्तेमाल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपका जीमेल का
यूज़र आईडी होना चाहिए। अब मैं जब यूज़र आईडी कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि abc@gmail.com, अब abc की जगह आप अपना जो भी आपका नाम है वो वाला gmail.com यूज़ कर सकते हैं। तो कोलैब पे जब आप लिखेंगे colab.research.google.com, हाँ colab.research.google.com डायरेक्टली आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप साइन इन करेंगे तो आप कोलैब इंटरफेस जो आपको सामने नज़र आ रहा है इस इंटरफेस में पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब ये इंटरफेस आपको एक वेब पेज लग रहा है लेकिन ये एक वेब पेज नहीं है, ये एक पूरा कंप्यूटर और एक कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम पहली कोई कमांड चलाएंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपको एक प्रोसेसर दे रहा है, एक बहुत सारी आपको रैम दे रहा है, बहुत सारी आपको स्टोरेज दे रहा है, और इसमें आप पाइथन के सारे पैकेजेस जो हैं वो बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं बग़ैर किसी कॉन्फ़िगरेशन की मुश्किल के। तो अगर हारिस हम एक कोई सेल चलाएं तो मैं दिखाना चाहता हूं कि वो कनेक्ट के अंदर के ये हमें जो कोलैब है, इट्स नॉट जस्ट अ वेबसाइट, इट्स अ कंप्लीट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जिसमें आपको प्रोसेसर भी मिलता है, मेमोरी भी मिलती है, स्टोरेज भी मिलती है। और दूसरा ख़ास बात यह है कि जब आप कुछ कोलैब पे चला रहे हैं तो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज़ नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि जब हम मशीन लर्निंग करने के लिए कोलैब चलाएंगे तो एक्चुअली अगर मशीन लर्निंग, आपको पता है ना कि उसके लिए प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, और आपकी मशीन वीक भी है तो आपका कंप्यूटर जो है उसका प्रोसेसर यूज़ नहीं होगा, कोलैब का प्रोसेसर यूज़ होगा। तो जो आपके कमज़ोर मशीन है वो आपके रास्ते में कोई हर्डल नहीं है ये कोर्स सीखने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बात, हाँ श्योर, प्लीज़ इसको मज़ीद हाईलाइट कर दूँ, कि सवाल ये आएगा सर जी हमें मशीन कितनी ताकतवर चाहिए, तो इसका मतलब है एक नॉर्मल मशीन के ऊपर, मतलब मशीन का मतलब नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर आप ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब माउस लेके जाएं प्लीज़ कनेक्ट के ऊपर, ये कनेक्ट का बटन जो है ना ये आप जब प्रेस करेंगे ना तो आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। कोलैब आपको प्रोसेसर के साथ साथ GPU भी देता है लेकिन अभी हमें GPU या ग्राफिक्स कार्ड नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम यही जो कोलैब की नोटबुक है ना ये आपके साथ शेयर कर देंगे, इसका मतलब है आप क्लिक करेंगे ये सारा कोड एज इट इज़ लिखा होगा, आपने सिर्फ प्ले का बटन दबाना है, उस कोड को ध्यान से पढ़ना है और वो कोड खुद ही चलेगा, आपको कोड भी खुद लिखने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हमारा ख्याल है कि जब आप एक कोड को चलाएंगे ना तो कोड चलने से जो अंदर फीलिंग आती है ना, जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, वो फिर आपको मजबूर करती है कि यार ये चल गया, मैं अब इसको थोड़ा सा और चेंज करूँ, इससे नई चीज़ बनाऊँ, तो वो आपके अंदर का इनोवेटर जो है ना वो फिर जाग उठता है। सो हमारे सामने अब ये मशीन हमने कनेक्ट की थी, आप देख सकते हैं कि हमें गूगल जो है वो 12.7 GB ऑफ रैम भी दे रहा है, हमें 107 GB की डिस्क स्पेस भी दे रहा है, और इसी तरह यहाँ आपको प्रोसेसर तो नज़र नहीं आ रहे लेकिन हमें 4 कोर्स जो है वो भी मिलती हैं, और जब हमें चाहिए हो तो फिर हम इधर GPU भी ले लेते हैं, लेकिन चूंकि अभी हमें नहीं चाहिए तो हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब ओवर टू हारिस, हारिस अब हम थोड़ा सा आप आइडिया दे दें हमें कि ये कोलैब क्या है, इसमें सेल्स क्या हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो उसके बाद फिर हम ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू हारिस। ओके, आफ्टर आपको तमाम जितना बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो चीज़ें मिल गई, सो अगर आपको, इसको मैं यूँ कहूँगा कि अगर आपको कोई ये बता दे कि आपने बाइक कैसे चलानी है और आपको उसके सारे एक 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 फंक्शनैलिटी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक दफ़ा खुद टेस्ट करके ना देख लें तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। एट द एंड क्या होगा कि आप एक एक्सीडेंट करके अपना नुकसान करवा के बैठे होंगे। सो सबसे पहले जो चीज़ आपने चलानी है उसको एक दफ़ा से इंस्पेक्ट कर लें कि वो चीज़ क्या है और उसको मैंने किस तरीके से यूज़ करना है। सो हमारे सामने ये कोलैब का एक इंटरफेस खुला हुआ है जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं और बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों ने एक दफ़ा ये वेरिफिकेशन कर लेनी है कि हमारे पास, हमें जो कोलैब ने रिसोर्सेज दिए हैं वो हमारे पास एलोकेट हो चुके हैं। उसकी निशानी ये है कि यहाँ पे आपके पास रैम और डिस्क के साथ एक टिक मार्क आ रहा होगा कि आपको रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं। देन आपके पास आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल ऑफ कॉन्टेंट है कि ये जो नोटबुक हमने बनाई है, ये जो कोड आपके पास मौजूद है, इसमें क्या क्या जो है वो कौन कौन से पोर्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपके पास बने हुए हैं।
सो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जब भी आप कोड जो है वो अपना बनाते हैं, नोटबुक बनाते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो भी अपडेट होता जाता है, तो आप वहाँ से उसको बड़ी क्विकली एक्सेस कर लेते हैं। इसके साथ साथ जैसे सर ने बात की थी कि कोलैब आपको रिसोर्सेज भी अलॉट करता है, रिसोर्सेज में आपके पास स्पेस भी होती है, डिस्क स्पेस भी होती है, तो यहाँ पे एक फोल्डर का आइकन बना हुआ है जिस पे क्लिक करके आपके पास जो भी आप यहाँ पे फोल्डर या कोई भी अपना डाटा रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। सो अभी हमें किसी डाटा की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस चीज़ को सिर्फ आपको दिखा रहे हैं ताकि इन फ्यूचर जब हम यूज़ करें तो आपको इसका आइडिया हो। सो स्टार्ट करते हैं। अभी हमने वेरिएबल नेमिंग के कुछ रूल्स पढ़े थे, सो उस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली लेके आएँ तो साथ साथ मैं आपको इसकी बिल्कुल इनिशियल और बेसिक्स के बारे में भी बताता जाता हूँ कि ये जो आपके सामने कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिनको मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, बट वो सिर्फ उनका पर्पज़ यह है कि आपकी कोलैब जो नोटबुक है वो थोड़ी सी एक्सप्लेनेबल हो, जो कोड आपका व्यू कर रहा है उसको अच्छे से समझ में आए। सो ये हमारे पास एक सेल शो हो रहा है जिसके अंदर ये पीस ऑफ कोड ये मेरे पास लिखा हुआ है। अब इस पीस ऑफ कोड को मैंने एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ ये प्ले के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये मेरे पास एक मैसेज शो करता है कि ये नोटबुक आपकी नहीं है, तो अगर आप इसको फिर भी चला रन एनीवे, आपने रन एनीवे पे क्लिक करना है और ये मेरा सेल एग्जीक्यूट हो गया। सिर्फ ये फर्स्ट टाइम आपके पास होगा। सो अब बारी आती है कि ये मैं हम लोग करने के हवाले, देखें जैसे शहरिया भाई ने आपको बताया कि आपने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरह असाइन करनी है, कि सबसे पहले आपके पास वेरिएबल नेम था, इज इक्वल का साइन था, और देन उसकी जो वैल्यू जो आपने असाइन उसको करनी थी। मैंने यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल नेम लिखा, नम स्टूडेंट्स इज इक्वल टू एंड 25, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी। जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने से मेरे साइड पर एक टिक मार्क आ रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैंने बिल्कुल करेक्ट वे में जो पाइथन लैंग्वेज का सिंटैक्स है उसको फॉलो करते हुए एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है वो मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैंने वर्ड बोला है इनिशियलाइज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वो वैल्यू उस वेरिएबल तक पहुँच गई है, उसमें वैल्यू स्टोर हो चुकी है। इसी तरीके से आगे एक और एग्जाम्पल है जिसके अंदर मैंने टोटल सेल्स नाम का एक वेरिएबल बनाया है, इज इक्वल टू का साइन, और आगे उसके अंदर मैंने एक वैल्यू दी है जिसे डेटा टाइप की अगर वर्ड स्पेसिफिकेशन में मैं बोलूं तो उसको हम कहते हैं फ्लोट, फ्लोट डेटा टाइप, क्योंकि इसमें डेसिमल जो है आपके पास नंबर्स में आ रहा है। तो साथ साथ मैं इनको एग्जीक्यूट करता जा रहा हूँ विच शोज़ कि आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो ठीक बने हैं। आगे स्टूडेंट नेम है और उसके आगे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है, स्ट्रिंग मैंने असाइन की है एक वेरिएबल को। अब आपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स जब भी बनाने हैं और उनमें वैल्यू असाइन करनी है तो आपने ये याद रखना है कि इनको या तो आप सिंगल कोट देंगे या आप डबल कोट उनको देंगे, और तभी वो रिकग्नाइज करेगा कि ये एक स्ट्रिंग आप उस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। अगर आप इस तरह नहीं करते, लेट्स से मैं यहाँ से ये मैंने डबल कोट हटा दिया और मैंने सिंगल कोट भी नहीं दिए, तो वो मुझे एक एरर शो कर देगा कि नेम AI इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों? आपने उसका सिंटैक्स फॉलो नहीं किया स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन करने के लिए। सो मूविंग ऑन, अब ये तमाम चीज़ें मैंने वेरिएबल्स असाइन कर दिए, इसके साथ आगे मूव करने से पहले, अब ये तो चीज़ें मैंने लिख के दी हुई थी आपको, अब आप ये चाहते हैं कि जनाब नहीं मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं आई, मैंने अपना कोड भी इसमें डालना है, मैंने अपने मर्जी से एक वेरिएबल असाइन करके चेक करना है, तो उसके लिए आपको एक सेल ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल ऐड आप कहाँ से करेंगे? ये आपके पास ऊपर टॉप पे एक ऑप्शन शो हो रही है ऐड कोड की, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे करंट आपका कर्सर मौजूद होगा वहाँ पे आपके पास एक सेल आ जाएगा। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली जब आप जैसे सर ने कहा था कि वो कोड जिसका कोई जो किसी इशू को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता तो वो आपकी लैंग्वेज में जो है वो हेलो वर्ल्ड होता है। सो
सो मुझे आज तक इतने खुशी किसी प्रोग्राम लिखने में नहीं हुई जितनी इस पे हुई थी। ये बिल्कुल, ये हर प्रोग्रामर का जिसे कहते हैं कि पहला प्रोग्राम होता है और एक उसकी खुशी ही अलग होती है इस चीज़ के ऊपर। सो इस लैंग्वेज के अंदर ये जो अब आपके पास मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है प्रिंट का, इसका हमने आगे बड़ा एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करना है पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि आपने अपना जो भी काम करना है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करवाने के लिए ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है वो है प्रिंट का। अब इसके अंदर मैं आगे आपको फर्दर बताऊंगा जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे कि आपको इसको किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि आपको मैं इसका बेसिक एक इंट्रो एक वो बता दूँ। सो अब यही प्रिंट फंक्शन मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने ऊपर एक वेरिएबल बनाया था नम स्टूडेंट्स के नाम से। अब मैंने ये देखना है कि मेरे इस वेरिएबल के अंदर जो मैंने वैल्यू सक्सेसफुली असाइन की थी क्या वो पड़ी हुई है। तो मैंने 25 वैल्यू असाइन की थी और जब मैंने उसी नम स्टूडेंट के वेरिएबल को प्रिंट करवाया है यूजिंग प्रिंट फंक्शन तो वो 25 मेरे पास शो हो रहा है। इसी तरीके से मैंने जो भी ऊपर वेरिएबल्स बनाए थे स्टूडेंट नेम मैं उनको प्रिंट करवा देता हूँ तो मेरे पास वो चीज़ें प्रिंट होगी। सो मूविंग ऑन, अब उन्हीं रूल्स के अंदर अगर मैं छेड़छाड़ कर दूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने वेरिएबल बना तो दिया बट मैंने क्या किया कि मैंने वेरिएबल को स्टार्ट कर दिया। ओके, सो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने ब्रेक ली थी वहाँ तक हमने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की थी कि जो वेरिएबल्स हैं वो उनको ठीक वेरिएबल्स को किस तरीके से बनाया जाता है। तो अब हमने आगे कंटिन्यू करते हुए ये चीज़ें देखनी है कि अगर हम वेरिएबल्स की कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। ओके, सो मैंने आपके साथ आपके सामने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा सेकंड स्टूडेंट, बट उस नेम के स्टार्ट में मैंने उसको एक नंबर दे दिया। ठीक है, एक नंबर से मैंने उसको स्टार्ट कर दिया और मैं इसको अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे वो नीचे बता रहा है इनवैलिड डेसिमल लिटरल कि ये जो चीज़ आपने ये जो वेरिएबल बनाया है ये हमारे जो रूल्स हैं वेरिएबल्स के उसको फॉलो नहीं करता। क्यों? इसके अंदर एक डेसिमल लिटरल एक नंबर आ रहा है स्टार्ट में। सो इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर मैंने टोटल सेल्स का वेरिएबल बनाया है और उसमें मैंने एक फ्लोट वैल्यू दी है। अब ये इसके ऊपर भी एक एरर जनरेट कर रहा है और नीचे मेंशन किया हुआ है कैन नॉट असाइन एक्सप्रेशन हियर और नीचे वो बता रहा है मे बी यू मेंट डबल इक्वल और इक्वल। इसका क्या मतलब है? ये जो मैंने वेरिएबल नेम दिया है ना इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो एक हाइफन मौजूद है जो कि रूल्स, अब ये सारे रूल्स हमने कुछ तो हमने स्लाइड्स में मेंशन किए हैं बट उन तमाम रूल्स को हमने मेंशन नहीं किया उसकी एक वजह। सो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो वेरिएबल है इसमें एक हाइफन मौजूद है जिसकी वजह से ये रूल्स को फॉलो नहीं मीट नहीं करती और ये एक आपके पास एरर जनरेट कर देगा। इसी तरीके से शहरियार भाई ने आपको स्लाइड्स में बताया था कि आप किसी भी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया इफ़ के नाम से और इज इक्वल टू और आगे एक वैल्यू असाइन कर दी। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल ठीक है बट ये इफ़ जो वर्ड है ये पाइथन के अंदर एक रिजर्व वर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता है कंडीशंस के अंदर। तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो नीचे से वो मुझे एक एरर दे देता है सिंपली कि इनवैलिड सिंटैक्स के ये सिंटैक्स के रूल्स के खिलाफ है तो ये चीज़ हम इसको असाइन नहीं कर सकते। और आगे मैंने तमाम जो रीज़न्स हैं वो साथ कमेंट्स में मेंशन भी की हुई हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। सो ऑब्वियसली जब अगर हमने वेरिएबल्स गलत बनाए हैं उनके अंदर वैल्यूज़ असाइन नहीं हुई तो जब हम उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो वो भी क्या प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि उनके उसके अंदर कुछ मौजूद है ही नहीं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है डेटा टाइप्स की। सो डेटा टाइप्स के ऊपर ऑलरेडी बड़ा एक्सटेंसिवली आपको शहरियार भाई ने भी और सर ने भी जो है वो बड़ी बता दिया हुआ है कि उनकी टाइप्स और वो क्या क्या होती हैं। सो अब हम इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर इंस्टेंस कि मैंने एक वेरिएबल के अंदर 23 वैल्यू असाइन की, अब मैंने सिर्फ नेक्स्ट सेल के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखा और मैंने उस सेल को एग्जीक्यूट कर दिया तो उसने मुझे तब भी उसकी वैल्यू दे दी। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिंट फंक्शन आपने यूज़ करना है, क्यों? हर जगह सिर्फ आपने वेरिएबल यूज़ नहीं करना होगा, उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस लाइन ऑफ कोड में
तो प्रिंट्स फंक्शन जो है वो उस वक्त आपको हेल्प करेगा उस चीज़ को शो करवाने में, प्रिंट करवाने में। अच्छा, डेटा टाइप्स जो है मैं दोबारा बता दूं क्योंकि ये नाम ज़रा खौफनाक सा लगता है। ये एग्जैक्टली वही बात है जो शहरयार ने पहले बताई थी और इरफान ने बताई थी और उसके बाद हारिस ने भी बताई थी कि हमारे पास डेटा की मल्टीपल टाइप्स हैं। हमारे पास इंटीजर है जिसमें हम इंटीजर जैसे 0, 1, 2, 3 जिनके साथ पॉइंट नहीं लगा वो बताते हैं। फिर हमारे पास फ्लोट है, फ्लोट का मतलब है 12.3, 17.6, ये फ्लोट हैं। फिर हमारे पास करैक्टर हैं, करैक्टर में सिर्फ एक करैक्टर होता है ए या बी या सी। फिर हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं, मल्टीपल करैक्टर्स हैं। और फिर हमारे पास एक डाटा टाइप जो है वो बूलियन है। तो इन सारी टाइप्स को हम डाटा टाइप्स कहते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। प्लीज़ हारिस कंटिन्यू। थैंक यू। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो ये कि मैंने ऊपर एक वेरिएबल नम के नाम से इनिशियलाइज करवाया था, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नम वन, लेकिन उसके साथ मैं इस कंपाइलर को ये बताता हूँ कि ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है और उसके अंदर वैल्यू रख दो 100। सो ये ऑलरेडी आपके सामने एग्जीक्यूट हुआ हुआ, मैं दोबारा करता हूँ तो वो कह देता है इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों? ऐसा इसलिए है कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आपको बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का, किस डेटा टाइप का वेरिएबल है और उसमें किस टाइप की वैल्यू जाएगी। लेकिन पाइथन एक इंटेलिजेंट लैंग्वेज है, ये ऑटोमेटिकली इसको पता लग जाता है कि कौन सी वैल्यू आप इसको असाइन करने जा रहे हैं, तो इधर आपको ये चीज़ मेंशन करने की, उसको डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने खुद भी वाइल जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपने बार बार चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, क्योंकि ये तो हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें वेरिएबल इस तरह से इनिशियलाइज होता है, इसकी वैल्यू इस तरह से जाती है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप इसकी खुद प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो जितनी आप प्रैक्टिस करके वापस आएंगे तो उतना आपका कॉन्फिडेंस और उतनी आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ चुकी होगी नेक्स्ट लेक्चर के लिए। सो आपके सामने एक मैंने स्ट्रिंग ली हुई है, एक प्रॉपर जिसके अंदर सेंटेंस है, हमारे कोर्स का नाम लिखा हुआ है, और उसको मैं एक वेरिएबल कोर्स के अंदर स्टोर करवा रहा हूँ। ये मैंने सेल एग्जीक्यूट किया और मैंने नेक्स्ट सेल के अंदर उसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाई कि उसके अंदर क्या मौजूद है, तो उसने मुझे वही वैल्यू रिटर्न कर दी, डिस्प्ले करवा दी जो मैंने उसको उसको दी थी। साथ साथ मैंने टेक्स्ट बॉक्सेस में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की हुई है कि अगर आपको टाइप आइडेंटिफाई करने में मसला हो रहा है, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑडियंस ऐसी होगी मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने कभी पहले प्रोग्रामिंग नहीं की हुई, तो हम उनको साथ रखने के लिए हमने ईच एंड एवरीथिंग का ख्याल रखा है कि बिल्कुल छोटी छोटी जो हमारे लिए बिल्कुल कॉमन सी और आम सी चीज़ है जिसको हम नॉर्मली निगलेक्ट कर देते हैं कि ये बहुत आसान है, बट हमने उसको भी नीचे मेंशन किया हुआ है। सो अब ये आपकी ड्यूटी है कि अब आपने इसको जब प्रैक्टिस करना है तो बड़े ध्यान से पढ़ना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी। सो फिर आपके सामने वेरिएबल बनाया हुआ है और उसकी ये चीज़ और उसकी डेटा टाइप मैंने नीचे मेंशन की हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके अंदर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर मोस्टली जो है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, बट दिखाने का पर्पज़ यह है कि पाइथन के अंदर आप यू नेम इट कि कौन सी फंक्शनैलिटी, कौन सी चीज़ आपको चाहिए वो पाइथन आपको प्रोवाइड करेगी। सो इसके अंदर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कराया जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। सो इसके अंदर ये इसने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की टाइप है। मैंने नीचे प्रिंट करवाया तो वो उसने वैल्यू भी मुझे प्रिंट करके दे दी। सो अब जो हमारी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक छोटा सा टास्क है, बिल्कुल बेसिक सा, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर स्ट्रिंग, कोई सी भी स्ट्रिंग जो आपको पसंद हो वो असाइन करनी है, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करके उसकी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा के चेक करनी है, ठीक है। इसी तरीके से इंटीजर है और फ्लोट है। सो इससे क्या होगा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मूविंग ऑन, अब हमारे पास पाइथन के अंदर जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जो बेसिक ऑपरेशंस जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, हम उनकी तरफ मूव करते हैं। सो नॉर्मली हमारे पास जो ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सिंपल वही कॉन्सेप्ट्स हैं, सिर्फ क्या है उनको आपने एक सिस्टमैटिक वे से अब यूज़ करना है, ठीक है। सो
जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा प्रिंट और उसके अंदर मैंने लिखा 3*4, इट मींस 3 × 4, सो इसका आउटपुट आपके सामने आ जाना चाहिए जी 12। इसी तरीके से अब आपके पास नंबर 4 पे लिखा हुआ है एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है, जिसको कहते हैं पावर, किसी नंबर की पावर को कैलकुलेट करना। फॉर इंस्टेंस बेसिक एग्जांपल के आप किसी नंबर का स्केयर कैलकुलेट करते हैं, तो स्केयर कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले वो नंबर डबल स्टेरिक जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि आप इसकी पावर में कौन सी वैल्यू जाएगी वो आपने दे दिया 2, इट मीन्स कि 3 का स्केयर कैलकुलेट होकर आपके पास 9 आउटपुट आ जाएगी। ये जो स्टेरिक है ना, ये अगर किसी के लिए ये नया चीज़ है तो ये कंप्यूटर में 8 के ऊपर यूजली जब आप शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करते हैं ना तो फिर ये साइन आता है, इसको स्टेरिक या लोग स्टार भी कहते हैं, तो हम इसको स्टेरिक कह रहे हैं। अच्छा, अरिथमेटिक जो है ना, मुश्किल सा अगर लफ्ज़ आपको लग रहा है तो सिंपल मैथ में जो हम काम करते हैं ना, जैसे हमने कुछ ऐड करना है, दो नंबर को जमा करना है, फिर दो एक नंबर में से दूसरा जो है उसको सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है, या फिर हमने दो नंबर को मल्टीप्लाई यानी ज़रब देनी है उनकी, या फिर डिवाइड करना है यानी तकसीम करना है, या फिर हमने रिमाइंडर लेना है यानी कि अगर 10 को मैं 11 को मैं 2 पे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं अरिथमेटिक, यानी कि ये नॉर्मल ऑपरेशन जो हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाते हैं। तो पाइथन के अंदर जब भी आपने अरिथमेटिक ऑपरेशन करने हैं तो पाइथन ने हर अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए ना एक साइन डेडिकेट कर दिया। जब प्लस का साइन हमें हमेशा से पता है कि क्या है, तो वो पाइथन में प्लस का साइन ही एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का साइन है, इसको हाइफन भी कहते हैं, इसको माइनस भी कहते हैं, और डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश का साइन है, उसके बाद एक्सपोनेंशिएशन के लिए हमारे पास 2 स्टेरिक्स हैं, 2 स्टेरिक्स हैं। एक्सपोनेंशिएशन की एग्जाम्पल है कि जैसे मैंने 2 स्केयर निकालने, यानी 2^2 वो 4 होता है, तो वो मैं निकालने के लिए 2 के बाद 2 स्टेरिक लगाऊंगा और 2 लगाऊंगा तो मुझे 4 मिल जाएगा। अगर मैंने 2 क्यूब निकालना है तो 2 के बाद 2 स्टेरिक लगाऊंगा, 3 लिखूंगा तो 2 क्यूब मिल जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी पावर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंटीजर की। तो एक जनरल सा आइडिया था कि अरिथमेटिक मुश्किल लफ्ज़ है, घबराने वाली कोई बात नहीं, सिंपल जो हम मैथ के ज़रूरी ज़रूरी काम करते हैं ना, वो करने का तरीका जो है उसको पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। सो अच्छा, इससे अगला एक नंबर 5th पे आपके पास एक ऑपरेटर लिखा हुआ है मॉडुलस। नॉर्मली मॉडुलस जो है वो आप लोग पढ़ते तो हैं, आप लोग यूज़ भी करते हैं इसका, लेकिन ये चीज़ आपको रिफ्रेश करवा देते हैं। मॉडुलस बेसिकली क्या करता है कि जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आफ्टर डिवीजन, ठीक है, जो वैल्यू एट द रिमाइंडर डिवीजन के अंदर रिमाइंडर के तौर पे आपके पास मिलती है वो मॉडुलस के ऑपरेटर के थ्रू आप उसको गेट कर सकते हैं। इसका फॉर इंस्टेंस इसकी एग्जांपल ये है कि आपने 16 और मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, आगे 5 है, सो इट मीन्स कि जब आप 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 × 3 = 15, ठीक है, तो 16 − 15 1 रिमेनिंग के तौर पर 1 आएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे तो आपकी आउटपुट के अंदर 1 आपको शो हो रहा होगा। इसके बाद आपके पास सिंपल एक डिवीजन की एग्जांपल है कि मैंने 2 नंबर्स दिए हैं और बीच में डिवीजन का साइन जो है वो मैंने स्लैश वो यूज़ किया है, तो जब मैं इनको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.5। तो कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बनता है 1/2, बट वो यहाँ पर आपको वो 1/2 की फॉर्म के बजाय उसका उसकी जो डेसिमल वैल्यू है 0.5 वो शो करेगा। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है कि आप जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट मौजूद होता है क्वोशन्ट, ठीक है, क्वोशन्ट। सो यहाँ पे अब आपके पास जब मैं 11 को क्वोशन्ट के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आपने किसी दो नंबर्स का क्वोशन्ट आपने फाइंड करना हो तो आपने डबल स्लैश का यूज़ करना है। सो जब हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 2 = 8, ठीक है, तो अब आपके पास जो ऊपर वैल्यू आई 2 वो आपका आंसर बनती है एज अ क्वोशन्ट।
सो वो आपके पास शो हो गई। भाई क्वेश्चन क्या होता है मुझे समझ नहीं आया। ओके क्वेश्चन क्या होता है समझ नहीं है। जब आप दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करते वक्त जो आप फॉर इंस्टेंस मैं 10 को 2 पर डिवाइड करता हूँ तो 2 5 10 सो 5 जिसके ऊपर मेरी वैल्यू एग्जैक्ट उससे डिवाइड हुई है वो वैल्यू मेरा कोशेंट के तौर पर आता है ठीक है। और अगर नीचे कोई वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 5 10 और 10 - 10 नीचे जीरो वैल्यू मिल रही है वो मेरा रिमाइंडर था और ऊपर जो 2 5 10 5 मेरा कोशेंट है। थैंक यू उस्ताद जी समझ आ गई। ठीक है अच्छा इससे अगली एग्जांपल है कि जो आपने वेरिएबल को वैल्यूज जो है वो इनिशलाइज करना सीखा था और उसकी ही उसको बिल्कुल हम थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि मैंने दो नंबर्स लिए उनके अंदर मैंने इंटीजर वैल्यूज़ असाइन की। असाइन करने के बाद मैंने क्या किया कि उन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में एक साइन डाल दिया एडिशन का प्लस का। वो क्या करेगा इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू मौजूद होगी उन दोनों को लेगा ऐड करके एक तीसरे वेरिएबल में रखवा देगा जिसका नाम है सम। और मैं क्या करता हूँ कि मैं इस सेल को एग्जीक्यूट करता हूँ तो वो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं और मेरे पास जो वैल्यू सम वेरिएबल के अंदर मौजूद होती है 7 जो कि 2 + 5 बनना चाहिए था वो मेरे पास आउटपुट आ जाती। इसी तरीके से एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल इसके ऊपर दिखानी है कि अब आप इसकी एप्लीकेशन किस तरह कर सकते हैं कि अब आपने एक लेट्स से एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो उसका आपको क्या करना है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है लेंथ इनटू हाइट। तो अब आपने क्या किया एक वेरिएबल बनाया लेंथ का उसमें आपने फ्लोट वैल्यू है इंटीजर वैल्यू है वो आपने असाइन कर दी स्ट्रिंग ना कीजिएगा स्ट्रिंग नहीं होती बिल्कुल भी। सो हाइट के वेरिएबल में आपने वैल्यू असाइन की ठीक है और सेम उसी तरीके से अब आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी थी सो आपने दोनों वेरिएबल के दरमियान में साइन जो दिया वो स्टेरिक का दिया जो रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को पाइथन में। उन दोनों का आंसर आकर स्टोर हो जाएगा थर्ड वेरिएबल एरिया में और आप उसको प्रिंट करवा देंगे। सो ये एक बेसिक बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाके आपके सामने पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं उनको डिक्लेयर कैसे करते हैं इनिशियलाइज कैसे करते हैं डिस्प्ले किस तरह करवाते हैं उनके अंदर और उसके साथ बिल्कुल छोटे जो ऑपरेशंस अरिथमेटिक वो किस तरह करते हैं। ये बिल्कुल कॉमन एग्जांपल थी। इसके बाद आपने इन एग्जांपल्स के साथ और ज़्यादा ख़ुद से खेलना है और नई नई जो आपके माइंड में जो भी क्यूरीज आती हैं कि अगर मैं इसको इस तरह करके देखूं तो क्या होगा तो जो भी क्यूरी आपके माइंड में आती है आपने कोलैब खोलनी है और उसके ऊपर उसको जो है वो लिख देना और ट्राई करना है। साथ इसके आपके साथ एक छोटा सा टास्क 2 लिखा हुआ है। टास्क 2 में एक स्टेटमेंट लिखी हुई आपके सामने उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या आइडिया दे देता हूँ लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन तमाम चीज़ों को करने के बाद आप इसको खुद से करें। मैं ये आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जाके इंटरनेट पे जाएं और इस चीज़ को लिखें और वहाँ से जो भी चीज़ आई कॉपी करें और इधर हमें सबमिट करा दें इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेसिक चीज़ है आप लोगों की लर्निंग। अगर लर्निंग आप लोगों ने करनी है तो इसको खुद से आपको ट्राई करना पड़ेगा। उसमें आप नाकामी होगी एक दफ़ा होगी दो दफ़ा होगी बार बार होगी लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आएगा फिर जब आप कामयाब होंगे और वो लम्हा आपकी जो आपकी जितनी मेहनत है उसकी वो वसूली का टाइम होगा उस टाइम आपकी जो खुशी है और जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो अब आपके सामने ये लिखा हुआ है क्रिएट अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप वेरिएबल। अब वर्ड आया है स्वैप। स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब यह है कि लेट्स से ये एक वेरिएबल 1 है ये एक वेरिएबल 2 है। आपने क्या करना है वेरिएबल 1 की वैल्यू उठाकर वेरिएबल 2 में ले जानी है और वेरिएबल 2 की वैल्यू वेरिएबल 1 में ले जानी है। इन दोनों की वैल्यूज को बदल देना है स्वैप कर देना है एक दूसरे से ठीक है। अब दोनों टास्क 1 टास्क 2 दोनों में सेम काम है कि आपने वैल्यू स्वैप करवानी है वेरिएबल्स की बट उसमें एक ट्विस्ट है। पहली जो टास्क है उसमें आप 3 वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं 3 वेरिएबल्स के एक तीसरा वेरिएबल भी हमने आपको दे दिया है कि ए की वैल्यू डाल दो उसमें तो खेल लो आप ठीक है। बट दूसरी जो है उसके अंदर हमने आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स यूज़ करने की इजाज़त दी। तो ये टास्क आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके माइंड को थोड़ा सा
मूव आपके माइंड को थोड़ा सा वर्किंग में लाने के लिए ताकि आप लोग सोचें। ये बोल दिया है तो इसको हम रिटन फॉर्म में एक छोटी सी असाइनमेंट के तौर पे लिख कर भी आपको भेज देंगे ताकि आपको सही समझ आए कि हर हिसाब से करवाना क्या चाहता है। वैसे इसने मैं बताया नहीं था, इसने यही फैसला किया ही वाला। चलो बेटा कुछ सरप्राइज भी मुझे आपके लिए। अच्छा मैं दूँ? नहीं सर। चलो गुड, जबरदस्त। ओके सो आई थिंक हमें आज के लिए यहाँ पे पॉज करना चाहिए ताकि जो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाइथन को देखा है वो थोड़ा सा इसको डाइजेस्ट कर लें, प्रैक्टिस कर लें और फिर जो है वो हम इसे आगे जो है वो फॉरवर्ड मूव करें। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। कल से हम स्पीड अप करेंगे पाइथन को और हम कोडिंग में जाएंगे, इफ एल्स, हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से देखेंगे। ऐसा नहीं कि कल हम ब्लाइंडली जा रहे होंगे, बट अब कल हम आपको AI के मज़े दिखाएंगे इंशाल्लाह। AI के मज़े दिखाएंगे कि हर हम किस तरह से कोड करते हैं, किस तरह से चीज़ें चलती हैं और एक जर्नी स्टार्ट होगी। पाइथन भी आप सीखेंगे, APIs इंटीग्रेशन भी आप सीखेंगे, आप बहुत कुछ सीखोगे। और अब मैं कहता हूँ कि अगले 2-4 लेक्चर के अंदर यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से ड्राइव करने जितने हो जाएंगे।